बात सुननी पड़ेगी की बात है, बात सुनो ना, दो मिनट उसको मेमोरेंडम दे रहा हमने एचआरडी मिनिस्टर का वेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स कुछ एक इश्यूज को लेकर यहाँ पे जो वो वेट कर रहा था कि ये जो एचआरडी मिनिस्टर आएंगे या जितने भी जो हमारे मंत्री हैं वो सारे आएंगे, हम जो वो सीधे तौर पर उनसे जो है स्टूडेंट्स के राइट्स की जो बात करेंगे, जो आज जो जिस समस्या से यहाँ स्टूडेंट जूझ रहा है उस समस्या के ऊपर बात करेंगे। लेकिन होता क्या है, ऊपर जो है वो एक बीजेपी के प्रांत मंत्री को अनाउंस करने के लिए हमारे मिनिस्टर्स के पास टाइम है, लेकिन स्टूडेंट्स की दिक्कतों को सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह से हम खड़े हैं सिर्फ मेमोरेंडम देने के लिए, और जब हमारे मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर आते हैं तो बिल्कुल पुलिस का जो प्रयोग करते हैं, वो स्टूडेंट्स को धक्के मार के यहाँ से भगा दिया जाता है, वो कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। विशाल वर्मा, इकाई अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जिस प्रकार एचआरडी मिनिस्टर और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं, निश्चित रूप से आज जब वो कैंपस के अंदर आए तो छात्र संगठनों को भी उनसे एक उम्मीद थी कि वो हमारे कैंपस के लिए और प्रदेश की शिक्षा के लिए जरूर कोई ना कोई घोषणाएं करेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब कार्यक्रम के बाद वो सभागार से बाहर आए और जब छात्र संगठनों ने एबीवीपी ने उनसे मिलने की कोशिश की, जब हमने उनको अपना ज्ञापन दिया तो जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बात को अनसुना करते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस को आगे करके धक्का मुक्की करके साइड करके जाने का काम किया, विद्यार्थी परिषद की कड़ी निंदा करती है। और दोस्तों, हमारी केवल इतनी सी ही मांगे थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, जो हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र का यूनिवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ अभी तक जो बजट में बढ़ोतरी की जानी थी, अभी तक जो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, लेकिन अभी तक यहाँ के कैंपस के लिए कोई भी बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई। आज से चार साल पहले जब अनुराग ठाकुर जिस कैंपस के अंदर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि इस कैंपस को एक खेल का ग्राउंड में मुहैया करवाऊंगा और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की घोषणा करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन चार साल बीतने के बावजूद अभी तक भी हमारी यूनिवर्सिटी को ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ना स्पोर्ट्स हॉस्टल, ना खेल ग्राउंड की इतनी एक भी मांग उन्होंने हमारे इस कैंपस के लिए पूरी नहीं की। और बात करें अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो वर्ष 2009 के अंदर भारत की सरकार ने 17 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, उसमें हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी सभी 16 विश्वविद्यालयों को अपना स्थायी परिसर और अपना मूलभूत सुविधाएं मिल चुकी हैं। लेकिन अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल की बात की जाए तो वो विश्वविद्यालय अभी तक अपनी स्थायी परिसर के लिए तरस रहा है। हमारी केवल इतनी सी ही मांग थी उनके सामने, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आज छात्र संगठनों के साथ व्यवहार किया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद इन मांगों को पूरा करने के लिए एक बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर शुरू करेगी। आज हम पूरे भारत में देख रहे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ जो बेइंसाफी की जा रही है। एक तो सबसे बड़ा इश्यू है कि पूरे भारत में इनका, मेरे को लगता है कि शायद ये एक एजेंडा है इनका, कि किस तरह से मैसिव भी हाई किया जा रहा है जिससे
फीसें बढ़ेंगी तो एक चीज होगी कि जो एक कॉमन स्टूडेंट है, जो एक मध्यवर्गीय परिवार से और एक जो वो गरीब परिवार से जो संबंध रखने वाला है स्टूडेंट है, वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा। हमारी मांग ये है कि इसी तरह की जो फी हाइक 2014 में यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंदर हुई थी, और एसएफआई के जो वो आंदोलन के चलते एक रिपोर्ट बनी थी, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट, और हम ये चाह रहे हैं कि उसको जो है सार्वजनिक किया जाए और ये मैसिव फी हाइक हुआ है इसको वापस लिया जाए। और दूसरी हमारी डिमांड है कि जो एससी इलेक्शन है इसको जो है वो हाल किया जाए। और तीसरा जो सबसे बेसिक है कि स्टूडेंट जो है रात को 10 बजे के बाद हॉस्टल में लॉक लगा दिए जाते हैं, और 24 आवर की लाइब्रेरी है। हम ये चाह रहे हैं कि वो जो 10 बजे के बाद जो लॉक लगते हैं वो खोले जाएं, और ताकि स्टूडेंट जो है वो 24 लाइब्रेरी में आके अपनी पढ़ाई कर सके।